हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम डॉट कॉम माई नेम इज रमनदीप सिंह एंड टुडे वी आर गोइ आई बी द इंसोल्वेंसी एंड बैंक करपसी कोड फॉर पी एन क्रेडिट ऑफिसर एग्जाम वेरी इम्पोटेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर हर साल एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं एंड जो क्लास हम आज करने जा रहे हैं जो टॉपिक आज हम शेयर कर रहे हैं जो क्वेश्चंस आज हम शेयर करेंगे उसी में से ही आपको एक दो क्वेश्चन मिलेंगे अपने एग्जाम में राइट So, my name is Ramandeep Singh, and I have been teaching on bank exams today from last 13 years now. And this is my WhatsApp number where you can ask your doubts and I'm going to answer your doubts. Okay, or you can ask your doubts in the comment section as well. So, PNBSO credit officer course is already available on bankexamstraday.com in which we are providing video classes, notes, quizzes, test series, and the live sessions, right? So, link to join the course is available in the description. These are our successful students in PNBSO Credit Officer 2023. These students took our course in the and they cracked their respective exams. And I am really, really happy for them. And you can be one of them in the future. Your photo can also here and So, let's start the session. What is insolvency and bankruptcy? First of all, the difference between insolvency and bankruptcy.

कोर्ट में गए उसके एसेट्स को बेच दिया एंड पे ऑफ द डेट्स दैट इज़ द बैंकपसी प्रोसीडिंग्स एंड वॉट इज आई बी सी सो बिफोर आई बी सी देव मल्टीपल लॉज टू टैकल टू हैंडल द बैंकपसी प्रोसीडिंग्स बहुत सारे लॉज थे कंपनीज एक्ट के अंडर पार्टनरशिप एक्ट के अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था तो बहुत सारे एक्ट थे जिसके अंडर ये प्रॉब्लम uh, को सॉल्व किया जा रहा था बट आई बी सी स्टैंडर्डाइज एवरी

क्रेडिटर्स एज वेल एज द डेटर्स इट हेल्प द डेटर्स एज वेल सो वील अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट स्लाइड सो द कोड रिपील्ड ऑल द प्रीवियस लेजिसलेन्स एंड एस्टाब्लिश्ड अ स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क सो आई बी सी एक स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क है यह पहले क्या देखता है कि क्या क्रेडिटर्स जो अपना लोन है वापस कर सकते हैं कि नहीं जो डेटर्स है वो अपना लोन वापस कर सकते हैं क्रेडिटर्स को नहीं आपने क्या उनका बिज़नेस वाइबल है कि नहीं जो बिज़नेस कर रहे हैं क्या उसमें से जो पैसे हैं वापस किए जा सकते हैं या नहीं इफ द बिज़नेस इज़ नॉट वाइबल बिज़नेस वाइबल ही नहीं है तो बेचो बिजनेस को और जो पैसा मिलता है वो वापस दे दो फिर क्रेडिटर्स को बात ख़त्म राइट सो इस पूरे प्रोसीडिंग्स में अट ऑफ पीपल आर इंक्लूडेड लॉट ऑफ पार्टीज आर इंक्लूडेड दो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स आर देयर सो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स लेट्स से द कंपनी ए बी सी राइट सो इट वेंट इन टू दिस इसकी लिक्विडेशन होनी है राइट इसके एसेट्स बिकेंगे सो लेट्स ए सिक्स मंथ्स लगेंगे फॉर द लिक्विडेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड इफ द ओनर्स ऑफ ए लिमिटेड दे में सेल ऑफ प्राइवेटली बेच सकते हैं स्टॉक को प्राइवेटली बेच सकते हैं मशीनरी को प्राइवेटली बेच सकते हैं टू टू गेट रेड ऑफ सच इशूल इज गोइंग टू टेक ओवर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए बी सी राइट एंड ही इज गोइंग टू the ऑल द सेल प्रोसीडिंग एवरीथिंग राइट एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इट वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल करेगा एंड इंसोल्वेंसी प्रोफेशनल ज रजिस्टर्ड विद आई बी बी आई इन इंडिया इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इज रजिस्टर्ड विद आई बी बी इन इंडिया इसका एक प्रॉपर एग्जाम होता है एंड इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी देयर दे मेंटेन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द डेटर देर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज एनसीएल फॉर कंपनीज एंड लिमिटेड लाइबिलटी फॉर्म्स एंड फॉर इंडिविजल देयर इज डी आर टी और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल सो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज आर ऑल्सो देयर

मिनिमम डिफॉल्ट अमाउंट इज वन करोड़ रुपीज वन करोड़ रुपीज इज अमम डिफॉल्ट अमाउंट टू इनिशियट सी आई आर पी ओके कार्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस राइट फॉर द सी आई आर पी वॉट आर द प्रोसेस प्लीज रिमेंबर द प्रोसेस इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इट सेल्फ यह पिछला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक करोड़ रुपए का डिफॉल्ट राइट और जो इंसॉलेंसी प्रोफेशनल्स हैं वो आईबीबीआई का एग्जाम पास करते हैं दैट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट सो लेट मी जस्ट राइट क्वेश्चन दिस इज क्वेश्चन नंबर वन विच इज इम्पॉर्टेंट दिस इज क्वेश्चन नंबर टू विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन दिस होल टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो जब डिफॉल्ट होता है राइट द गोल द गोल ऑफ द कोड इज़ टू एड्रेस इंसॉल्वेंसी इन अ टाइमली मैनर राइट वैसे सबसे पहले डिफॉल्ट हो गया राइट डिफॉल्ट होने के बाद अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स देन देर इज़ अ मोरटोरियम पीरियड ऑफ जनरली टू सेवेंटी डेज राइट एंड देन अ क्रेडिट कमेटी इज़ फॉर्म अ प्रॉपर क्रेडिट कमेटी इज फॉर्म अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट वोटिंग राइट आर आर अलॉटेड अकॉर्डिंग टू द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ओके सो उस हिसाब से क्रेडिट कमेटी की वोटिंग होती है राइट सो so, उस क्रेडिट कमेटी बन गई राइट इफ 66.6 या टू थर्ड ऑफ द क्रेडिटर्स दे अप्रूव अ प्रॉपर प्लान टर्न अराउंड प्लान देखियो अभी क्या होगा कि क्रेडिट कमेटी के पास दो ऑप्शंस होंगी या तो टर्न अराउंड कोई प्लान है बिजनेस के पास उसको अप्रूव कर लें या फिर एसेट्स को लिक्विडेट करवा दें राइट right? सो टू थर्ड ऑफ़ द क्रेडिटर्स जो भी डिसाइड करेंगे राइट इफ टू थर्ड ऑफ द करेडिटर्स अप्रूव कि ठीक है यार ये प्लान इम्प्रूव ये प्लान इम्प्लीमेंट किया जा सकता है टर्न अराउंड इसको इम्प्लीमेंट करो इफ दे सर नो इफ टू थर्ड ऑफ द करेडिटर्स दे डू नॉट अप्रूव देन ऑल द एसेट्स हैव टू बी लिक्विडेटेड सारे एसेट्स को लिक्विडेट करना पड़ेगा राइट right? और टू सेवेंटी डेज़ का मोरिटोरियम पीरियड दिया जाता है उसके आगे भी उसको एक्सटेंड करके थ्री थर्टी डेज का तो फाइनल टाइम है थ्री थर्टी डेज का टोटल फाइनल टाइम दिया जाता इंसॉल्वेंसी बैंक कोड बिल ट्वेंटी ट्वेंटी रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन इट्स फॉर एमएसएमटिव प्रोसेस फॉर द इफेक्टिव इफ द डिफॉल्ट इज बिटवीन टेन लाख एंड वन करोर इफ द डिफॉल्ट अमाउंट इज बिटवीन टेन लाख एंड वन करोर

टू द टर्म्स ऑफ अ पॉसिबल इन्वेस्टर अंडर दिस मैथड फाइनेंशियल क्रेडिटर प्रॉपर चेक करेंगे देखेंगे कंसेंट देंगे किन कम इन टू द पिक्चर क्या एक इन्वेस्टर टेक ओवर कर सकता है बिजनेस को दे विल ऑल्सो सी क्लर फ्रॉम एन सी एल टी फॉर द सेटलमेंट ऑफ द प्लान राइट सो अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर द रेजोल्यूशन प्लान हाउ एवर कैन नॉट बी सबमिटेड डायरेक्टली टू एन सी एल टी बिफोर सबमिटिंग रेजोलूशन प्लान इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाई टू थर्ड ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हुआ आर अन रिलेटेड टू द कॉरपोरेट डेटर्स सेम है जैसे uh, उसमें होता है आपका द सी आई आर पी में इसमें भी टू थर्ड ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हुआ अन रिलटेड टू द कॉरपोरेट डेटर्स वो प्लान को अप्रूव करेंगे तभी प्लान चलेगा राइट सो मिनिमम डिफॉल्ट अमाउंट इज टेन लाख रुपीज़ राइट मोरेटोरियम पीरियड द डेटर विल भी ग्रांटेड अ मोरिटोरियम पीरियड विच इज जनरली वन ट्वेंटी डेज पी में वन डेज का मोरिटोरियम पीरियड है बिफोर अलाउंग अ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस एन सी एल टी मस्ट इवेल्युएट द प्री पैकेज इंसॉलवेंसी द प्रोसेस सो पी पी आर पी को प्रेफरेंस दी जाती है राइट right? ये केस पहले सॉल्व होते हैं सो अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज आर देयर बिटवीन सी आई आर पी एंड पी पी आर पी बट द मेजर डिफरेंस इज द डिफॉल्ट अमाउंट राइट सो so, एक करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो सी ए आर पी विटवीन टेन लैक्स टू वन करोड़ इट इज़ पी पी ए आर पी सी ए आर पी इज़ एप्लीकेबल टू एनी कॉर्पोरेट डेट हज़ पी पी आर पी इज एप्लीकेबल टू एम एस एम ईज राइट सो प्रायरिटी इज़ गिवन टू द पी पी ए आर पी राइट प्री पैकेज वालों को प्रायरिटी है सो अ लॉट ऑफ प्रिलिमिनरी वर्क हैज़ टू बी डन बिफोर फाइलिंग द एप्लीकेशन टू द एन सी एल टी इन पी पी ए आर पी सी आर पी में ऐसा नहीं है राइट प्रिलिमिनरी वर्क हैज़ टू बी डन बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन टू द एनसीएल स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अप्रूवल ऑफ एटलीस्ट टू थर्ड ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स इज रिक्वायर्ड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स को हायर करना पड़ेगा बेस रेजोल्यूशन प्लान हैज टू बी मेड इवन यू नीड टू प्लान मेक द प्लान रेजोल्यूशन प्लान बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन टू द एनसीएल राइट अदर प्रिस्क्राइब्ड इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए एंड रिपोर्ट दैट इज सबमिटिंग सबमिटेड तो काफ़ी सारा होमवर्क पहले करना पड़ता है इन केस ऑफ सी बहुत सारा काम बाद में होता है राइट सो हु कैन इनिशिएट द सी आई आर पी अ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स अ कॉरपोरेट डेटर हिमसेल्फ एंड इन केस ऑफ पी पी आई आर पी ओनली कॉरपोरेट एप्लीकेंट हिमसेल्फ कैन इनिशिएट पी पी आई आर पी राइट सो टाइम लिमिट फॉर द कंप्लीशन ऑफ सी आई आर पी इज़ थ्री थर्टी डेज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तीन सौ तीस दिन का मैक्सिमम टाइम पीरियड है इन केस ऑफ पी पी आई आर पी इट इज वन ट्वेंटी डेज इन केस ऑफ सी ए आर पी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स टेक्स थर्टी डेज विल इन पी पी आई आर पी इट टेक्स सेवन डेज सो दीज आर द मेजर डिफरेंसिज बिटवीन सी आई आर पी एंड पी पी ए आर पी तो इसको आप ध्यान में रखें राइट right? Uh, this question was asked in the previous Bank of Bududa exam, Bank of Wealth Manager exam. The maximum time period for the CIARP it's one it's 330 days. 330 days ka maximum time period hai. Okay. for uh, for the resolution under the IBC. 330 days ka maximum time period. Hai, right? Uh, the IBC has adopted creditor in control model for the CIARP. द क्रेडिटर्स अ क्रेडिटर कैन इनिशिएट पी पी आर पी इफ द डिफॉल्ट अमाउंट इज एट लीस्ट टेन लैक्स एंड मैक्सिमम वन करोर हु रेगुलेट्स द इंसॉलवेंसी प्रोफेशनल आई बी बी आई रेगुलेट्स द इंसॉलवेंसी प्रोफेशनल एंड द पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी जब भी इंसॉलवेंसी की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती हैं तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है राइट ही टेक्स ओवर द पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अदरवाइज द ओनर्स ऑफ द कंपनी द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी वो चोरी करेंगे राइट हु अमंग द फॉलोइंगज द हाइस्ट प्रायोरिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स प्रोसीड वर्कमैन एंड द एम्प्लॉइज बोथ ए एंड बी बोथ आर द आंसर्स राइट सबसे पहले उनको पैसे जाएंगे द प्रोविजन ऑफ आई एंड बी कोड दल नॉट अप्लाई टू the financial services it's not inb uh, insolvency and bankruptcy code yeah the ibc shall not apply to financial service providers uh, like banks uh, limited liability partnership part, uh, the partnership and the individual in sab pe but not on the financial service providers a committee of creditor comprises of all the financial creditors not the operational creditors okay no individual shall be enrolled as professional member if he is not eligible to be registered as insolvency professional with the board here when we say board we say ibbi the uh, within how many days the liquidator shall distribute the proceeds from realization from the receipt of amount to the stakeholders within 90 days uh, Joe. एसेट uh, बेच के जो पैसा आया है विद इन नाइन्टी डेज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को क्रेडिटर्स uh, को देना पड़ेगा एंड वॉट इज द रूल ऑफ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी एक्ट एज अ सेंट्रल डेटा बेस फॉर इंसॉल्वेंसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो एज अ सेंट्रल डेटा बेस एक्ट करेंगे रिलेटेड पार्टी इन रिलेशन टू कॉरपोरेट डेटर मीन्स एनी पर्सन इन हूम द कॉरपोरेट डेटर कंट्रोल्स अ वोटिंग राइट ऑन अकाउंट ऑफ ओनरशिप और वोटिंग अग्रीमेंट रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन क्या है इन रिलेशन टू दर्पोरेट डेटर मीन्स वॉट इसके पास मोर देन ट्वेंटी परसेंट ऑफ वोटिंग राइट्स हैं इसके पास मोर देन ट्वेंटी परसेंट वोटिंग राइट्स हैं मीन्स एनी पर्सन इन होम कॉरपोरेट डेटर जो कॉरपोरेट डेटर है वो एक एंटिटी में मोर देन ट्वेंटी परसेंट का वोटिंग राइट right है उसके पास लेट्स ए इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ ए बी सी एंड द प्रमोटर ऑफ ए बी सी लेट्स ए मिस्टर राजीव Mr. Rajiv, uh, holds, uh, mr rajiv holds mr rajiv holds 50% of shares in bioten right then bioten is a related party of abc right or uh, mr rajiv holds 20% uh, in 10 more companies all these are related parties of abc okay so i hope you like the today's session if there is any doubt in your mind please ask your doubts PNBSO credit officer course it's available on bankexamstoday.com. Link is available in each description. Check it out. And list of our successful students. Uh, and yes, my WhatsApp number. This is the WhatsApp number where you can ask your doubts. And <coughs> list of our successful students who took our courses in the past. All these students they took our courses in the past and they cracked their respective exams. And I hope you will join the course on bank exams today as soon as possible and start your preparations. And that's all for today, students. Thank you and have a very nice day. Bye-bye.